सो गाइस देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा नॉट क्यू एंड बैंडविड्थ। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, क्यू, क्वालिटी फैक्टर। तीनों के बीच में रिलेशन क्या क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी होते हैं, और यहां पे कुछ मैं एनालॉग के बेसिक्स भी बताऊंगा आपको। सपोज करिए आपके सामने कर्व, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट का कर्व बनता है, कि हमें पता है कि ओमेगा नॉट दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वहां इंपीडेंस सबसे कम होता है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम करंट हो जाएगा। हमने क्या करा कि सपोज करो मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स को नीचे करके दो इस कर्व पे कट डाउन करें, जहां पे ओमेगा वन और ओमेगा टू कट हो रही है। ये वन बाय रूट टू टाइम्स इसलिए लिया, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। अभी देखते हैं हम लोग कि यहां पे क्या होगा, ओमेगा वन को क्या बोलेंगे, दैट इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और क्या बोल सकते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोल सकते थे। ठीक है, यहाँ लोअर लगा देते ज्यादा बेटर होता है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा टू को मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि ओमेगा टू को बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी, या फिर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अननेसरी मैंने जगह बचाने के लिए ओमेगा वन को जैसा बोलते हैं लोअर लोअर में, ओमेगा टू को भी हम लोग क्या बोलेंगे अपर अपर में बोलेंगे, या लोअर लगा लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट डाउन कर रहे फ्रीक्वेंसी, बट ये 3 dB डाउन या हाफ पावर का मतलब क्या होता है, ये समझाता हूं मैं। सपोज करो सबसे पहले तो 3 dB का मतलब कि अगर जो गेन है, जो मैग्नीट्यूड है, वो मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स हो जाए, तो 1/√2 अगर हो जाए तो जो गेन होगा, तो गेन कितना हो जाएगा 20 log 1/√2 डीबी में चेंज करना है, तो ये असल में अप्रोक्सीमेटली 3 dB के आसपास आता है। हरी बात समझ में? ये किसके आसपास आता है, अप्रोक्सीमेटली 3 dB डाउन, माइनस साइन के साथ है, क्योंकि लोग क्या है 1 से कम है, तो इस वजह से क्या हो जाए माइनस में, तो मतलब इसका क्या है, माइनस साइन इंडिकेट्स दी लोअर। हरी बात समझ में? लोअर, तो लोअर 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो 3 dB जैसे ही हम लोग एक्चुअल में पता है क्या होता है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एनालॉग की, आप क्लासेस में BJT ओपन पे करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे, तो ये जो स्केल मैग्नीट्यूड जो भी होगा, ये मैग्नीट्यूड स्केल काय में होता है, डीबी में होता है, काय में होता है, डीबी में। आप एक्चुअल वैल्यूज को काय में चेंज कर देते हो, डीबी में चेंज करते हो, फिर ही हम लोग देखी जाएंगे, क्योंकि डेसिबल क्या है, एक यूनिवर्सली एडॉप्टेड यूनिट है। अरे बात समझ में? इस वजह से सारे एलिमेंट्स को आप डीबी में चेंज करके डीबी स्केल पर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो डीबी में जब चेंज करें, डीबी में चेंज करने का मतलब 20 log दिस वन, तो ये कितना आ जाएगा, -3 dB, तो माइनस मतलब कि डाउन, तो 3 dB फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उसके बाद ये हाफ कहाँ से आया, हाफ, हाफ मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाफ का मतलब क्या है, कि इसको हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी अगर बोले, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, सपोज करो पावर इक्वल टू I²R। ठीक है, I²R, और मुझे पता है कि करंट क्या हो जाता है, करंट I मैक्सिमम बाय रूट टू। देखो तो I मैक्सिमम बाय रूट टू की जगह अगर हम लोग पुट करें, तो P इक्वल टू क्या कहलाएगा, यहाँ पे I²मैक्सिमम × R/√2, तो इस नॉट रूट टू, टू बच जाएगा, तो ये I²R मैक्सिमम है, तो क्या मैं P मैक्सिमम बोल सकता हूँ डिवाइडेड बाय टू, तो हाफ हो गया कि नहीं, मैक्सिमम का कितना हो गया, हाफ हो गया, तो इस वजह से हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये डीबी वाली चीज, और भी आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से देखोगे, वो जल्दी ही आने वाला है आपके सामने, और ये P मैक्सिमम बाय टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये भी हम लोग देख लिए हैं। तो इस तरह से लॉजिक है इन दोनों चीजों का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, इनको क्या बोलते, कैसे बोलते, मैंने एक आइडिया दे दिया है। अब देखते हैं हम लोग कि सपोज करो यहां से बैंडविड्थ, तो दो चीज तो क्लियर है हमारे पास, क्यू फैक्टर और ये क्लियर है, बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ अगर मैं लिखना चाहूं, तो मैं यहां से अगर मैं बैंडविड्थ लिखूं, बैंडविड्थ मतलब नाम से पता चल रहा है, बैंड किसी बैंड के बीच का विड्थ। ठीक है, तो वो क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, The certain range of frequencies at which the gain of the circuit or gain of the system becomes 1/√2 or 70.7, इसको करेंगे इसका तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 70.7%। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, the certain range of frequencies at which the gain of the system or circuit becomes
1/√2 टाइम्स और 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% जहां आ जाए उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। इसका मतलब इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा, जो कि कायम हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में, कायम हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। आ रही बात समझ में? अब देखो इसका यूनिट, देखो इसका यूनिट है क्या, रेडियन। इसका यूनिट क्या है, नो यूनिट, नो यूनिट। और इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन, नॉट रेडियन पर, सॉरी, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये भी हमारा नॉट रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, नो यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे ये रेडियन पर सेकेंड में नो यूनिट और ये रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से मैंने यूनिट डिफाइन कर दी है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि सपोज करो दो कंडीशन आ गए। अभी तक क्या चल रहा था, रेजोनेंस 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 चल रहा था, तो रेजोनेंस कंडीशन पे जो था वो आई मैक्सिमम हो गया। अब आपके पास एक और कंडीशन है हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे, तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे कितना है मैग्नीट्यूड, आई मैक्सिमम बाय रूट टू। तो इन दोनों कंडीशन को एक बार कंपेयर करें तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो सपोज करो मैं पहली कंडीशन कंपेयर करूं, अगर पहली कंडीशन एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस कंडीशन अगर देखूं, एट रेजोनेंस देखूं, तो एट रेजोनेंस पे क्या मिलेगा मुझे, एट रेजोनेंस पे मुझे पता है कि जेड यहां पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या कहलाएगा, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम, और वो कहलाएगा वी बाय आर। आ रही बात समझ में? वी बाय आर, बिकॉज यहां पे क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल यहां से एक और चीज, जेड इक्वल टू आर, तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो। इस वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। ये तो हम जानते हैं रेजोनेंस के बारे में। अब मुद्दा क्या है हाफ पावर का, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी देखें अगर, तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे हम लोग अगर देखें कंडीशन, तो आई मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई मैक्सिमम बाय रूट टू, आई मैक्सिमम बाय रूट टू हो गया। आई को क्या लिख सकता हूं मैं, वी बाय जेड लिख सकता हूं। आई मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूं, वी बाय आर। आई मैक्सिमम क्या लिख सकता हूं, वी बाय आर डिवाइडेड बाय रूट टू। तो जब ये क्या हो जाएंगे आपस में कुछ वी वी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जेड क्या मिलेगा मुझे, जेड इक्वल टू रूट टू टाइम्स आर। आ रही बात समझ में? तो आपको ये स्टेटमेंट में कई बार यूज होता है कि क्या पूछते हैं, दो स्टेटमेंट पूछते हैं कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जेड इक्वल टू कितना होता है, आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज व्हाट इज द इंपीडेंस। तो आप क्या बोलोगे, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज द इंपीडेंस ऑफ द सर्क्यूट इज रूट टू टाइम्स द रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? तो ये रिलेशन भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है कि आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे इंपीडेंस क्या होता है, रूट टू इंटू आर, और यहां पे रेजोनेंट पे कितना होता है, जेड इक्वल टू आर। तो ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास। आ रही बात समझ में? अब मैं क्या बोल सकता हूं, सपोज करो इसको थोड़ी देर के लिए यूज करता हूं मैं जेड इक्वल टू अंडर रूट टू आर को, तो यहां पे अगर मैं इसको यूज करूं तो जेड इक्वल टू अंडर रूट टू आर, इसको यूज करूं अगर, इसको और हटा देता हूं, तो जेड क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ये हो गया जेड। और अंडर रूट टू आर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर प्लस माइनस जे आर। देखो बड़ी कमाल की बात है कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू अंडर रूट टू इंटू आर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं इसको, देखो करो इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा, बिल्कुल लिख सकते। और यहां से हम लोग इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो क्या कहलाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू प्लस माइनस आर कहलाएगा कि नहीं। तो इस कंडीशन को लेके हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक्सेल हमेशा बड़ा नहीं होता है और ना ही एक्सी हमेशा छोटा होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि बिलो रेजोनेंट क्या है और अबव रेजोनेंट क्या है। तो हम वापस से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बिहेवियर चेक करते दोनों सर्क्यूट का, क्योंकि मुझे पता है कि बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या निकालना है मुझे, ओमेगा वन, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा टू। तो मैं ओमेगा वन और ओमेगा टू निकालने की कोशिश करता हूं, बट उसके लिए मुझे इस इक्वेशन का
यूज करना पड़ेगा। तो ये मैं बाकी सारी चीजें रफ कर देता हूं, इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, आगे का डेरिवेशन करेंगे। तो सपोज करो ये क्या हो जाएगा, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर देखें हम लोग कि बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बिलो ओमेगा नॉट, बिलो ओमेगा नॉट देखें, तो हमें पता है बिलो ओमेगा नॉट क्या क्या होता है। बिलो ओमेगा नॉट क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है, कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। और वो बाकी सारी कहानी होती है, लीडिंग पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ, कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड, जेड इक्वल टू आप लिख सकते हो आर, ठीक है। तो आर बाय आर क्या हो जाएगा आपका, नॉट आर बाय आर, यहां पे अगर लिखे, अगर हम लोग कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड, तो जेड कितना हो जाएगा यहां पे, जेड इक्वल टू रूट टू आर, रूट टू आर, तो कितना हो जाएगा 0.707 लीडिंग, 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। तो मुझे यहां से पता है कि अगर मेरा एक्सेल एक्सेल इक्वल टू, तो यहां पे कैपेसिटिव नेचर है, तो कैपेसिटी क्या हो जाए, कंडीशन कौन सी हमारे पास अवेलेबल अभी, एक्सेल माइनस एक्ससी इक्वल टू प्लस माइनस आर, ये अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां से क्या करता हूं मैं, कि यहां से एक्ससी अगर बड़ा हो जाएगा तो एक्ससी माइनस एक्सेल इक्वल टू क्या कर देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, बट बड़ा क्या हो जाएगा इस बार, एक्ससी माइनस एक्सेल। तो यहां पे इसको अगर इसको इधर की साइड लेके आ जाए, एक्ससी माइनस एक्सेल माइनस आर इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन ले लें तो एक्सेल माइनस एक्ससी प्लस आर इक्वल टू जीरो, और यहां से ओमेगा एल, ओमेगा एल और बिलो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी तो मैं क्या कर देता हूं, ओमेगा वन, और वन अपॉन ओमेगा वन सी प्लस आर इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ओमेगा वन स्क्वेयर इंटू एल सी माइनस वन प्लस ओमेगा वन आर सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैं ये कोफिशिएंट हटा देता हूं तो इतना हो जाएगा ओमेगा वन स्क्वेयर प्लस प्लस, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा वन आर सी में क्या हो जाएगा, सी सी कैंसिल आउट, तो आर बाई एल माइनस वन बाय एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं रूट निकालूं तो रूट निकालना क्या हो जाएगा, देखो इधर ओमेगा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा वन इक्वल टू माइनस बी माइनस आर बाई एल माइनस आर बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर माइनस 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 प्लस 4ac, तो 4 into LC, आ रही बात समझ में, तो इसके बाद आ जाएगा 2a, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो ओमेगा वन क्या हो जाएगा, ये 2 को इस साइड में ले जाऊं तो माइनस आर बाय 2l प्लस माइनस 1 बाय 2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वेयर प्लस 1 बाय LC, क्योंकि 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास W1 कैसे निकल के आएगा, इस तरीके से W1 आ जाएगा, दैट इज अवर लोअर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सपोज करो, अब केस नंबर 2 की बात करे कोई, तो केस नंबर 2 की बात करेगा तो केस नंबर 2 में क्या कर दो, केस नंबर 2 बिलो की जगह क्या हो जाएगा, अबव रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अबव ओमेगा नॉट, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट की जगह क्या बन जाएगा, इंडक्टिव सर्किट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इंडक्टिव सर्किट। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, यहां पे सेम चलेगा बट यहां लीड की जगह क्या बन जाएगा, लैग बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो उधर यहां चेंजेस हो जाएगा कि एक्सेल बड़ा है तो एक्सेल माइनस एक्ससी इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहां सारी चीजें चेंज होते 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 चेंज हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे ये चेंज हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली यहां से लिखूं, इसको मैं डायरेक्टली यहां से अगर लिख देता हूं तो ये आ जाएगा एक्सेल इक्वल टू ओमेगा टू इंटू एल डिवाइडेड बाय ओमेगा टू इंटू सी और माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो यहां से चेंजेस होते होते क्या हो जाएगा, एल सी ओमेगा टू का स्क्वेयर, ठीक है, ये ओमेगा टू का स्क्वेयर, देखो ओमेगा टू कर देते इसकी जगह, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे वन
अगेन यहाँ पे माइनस के साथ, तो माइनस ओमेगा टू आर सी, तो यहाँ पे माइनस देन माइनस, ठीक है, ओमेगा टू ओमेगा टू ओमेगा टू ओमेगा टू, ठीक है। तो अब आपका देखो ओमेगा टू क्या बन रहा है, ओमेगा यहां था माइनस, तो माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी इक्वेशन में चेंजेस नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली यहां बिना क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन के लिए करूं, तो यहां से क्या कर दूंगा ओमेगा टू ये हो जाएगा प्लस, बाकी का लगभग लगभग सेम ही जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा ओमेगा टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा आर बाय टू एल, आर बाय टू एल प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर एल स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी। तो अब मुझे क्या मिल गया है ओमेगा वन और ओमेगा टू मिल गया है, ठीक है गाइस। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, यहाँ डेरिवेशन प्रॉपरली नहीं करवाया आपको, पहले बिलो के लिए कर दिया था मैंने, थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, फिर अबो के लिए मैंने सिर्फ चेंजेस कर दिए, तो डायरेक्टली मुझे ओमेगा वन और ओमेगा टू मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अभी तक मैंने कुछ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं पढ़ाया। अब देखते हैं अगर कि बैंडविड्थ क्या होता है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों का जैसे ही माइनस करेंगे हम लोग, तो एक और चीज आएगी कि यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस में क्या चूज करें, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस वजह से यहां साइन कौन सा ले लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। और इन दोनों को अगर यहां रख देते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या कहलाएगा, देखो इधर यहां रख देते हैं, अगर डब्ल्यू टू को रख देते हैं, तो आर बाय टू एल प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर एल स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी, और उसके बाद माइनस फिर से वापस रखें तो माइनस आर बाय टू एल, ठीक है, डब्ल्यू वन रख रहे, प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर बाय फोर एल स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या पता चलेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि माइनस खुलेगा तो, और ये वाला अवेलेबल क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इक्वल टू क्या हो गया आर बाय, मतलब टू आर बाय टू एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली आर बाय एल इज द बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ सिंपल आर बाय एल इक्वल टू बैंडविड्थ। देखो एक और आपको चीज बताता हूं आगे चल के कि बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट टाउ। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय आर, तो देखो उसका उल्टा हो गया ना, आर बाय एल, तो ये आपको याद रखना है। तो बैंडविड्थ इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट, या आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे टाइम कांस्टेंट से कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एल बाय आर होता है टाइम कांस्टेंट, इस बार क्या हो गया आर बाय एल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं बैंडविड्थ के रिलेशन पे, बैंडविड्थ इक्वल टू आर बाई एल, बट अभी भी मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं मिला है। अभी सिंपली क्या मिला है, बैंडविड्थ इक्वल टू आर बाई एल, इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बैंडविड्थ इक्वल टू आर बाई एल, जिसपे मैं ये गोले बना दे रहा हूं ना स्टार करके, वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को रफ कर देता हूं, तो पूरे निष्कर्ष से मुझे ये बात पता चली है कि ये सब रफ कर दें, अगर हम लोग ये सब रफ कर दें, तो यहां से क्या पता चला है कि बैंडविड्थ इक्वल टू आर बाय एल। अब इसमें करते हैं कुछ ना कुछ हम लोग मैनिपुलेशंस, तो बैंडविड्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा आर बाय एल। आर बाय एल अगर आ चुका है, तो हम लोग दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट का डिवाइड। तो यहां पे क्या कहलाएगा ओमेगा नॉट, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट इनटू एल, तो ये क्या कहलाएगा आर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल कहलाएगा, एक्सएल ओमेगा नॉट इनटू एल, तो एक्सएल कहला जाएगा, तो एक्सएल कहला जाएगा। तो मुझे पता है कि यहां पे क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, तो वन बाय क्वालिटी फैक्टर क्या कहलाएगा आर बाय एक्सएल। तो देखो R by XL को क्या मैं 1 by Q लिख सकता हूं, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय Q, दैट इज अवर क्वालिटी फैक्टर। क्या हो जाएगा बैंडविड्थ क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। अब आपको देखो कई बार कंफ्यूजन होता है, आप जैसे ही जाओगे कि सर Q ऊपर आएगा कि W नीचे आएगा, इस तरीके से आपका बार बार चलता रहता है। इसका आप चीज हमेशा ध्यान रखना, बैंडविड्थ क्या में होता है रेडियन में, तो ऊपर वाला क्या है ये रेडियन में है, क्योंकि क्यू का क्या होता है, क्यू का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, क्वालिटी फैक्टर इज यूनिटलेस। तो ये काय में आ जाएगा बैंडविड्थ रेडियन में, तो ओमेगा नॉट ऊपर आएगा, तभी जाहिर सी बात है रेडियन रेडियन मैच होगा, तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय
क्यों? तो इस तरीके से आप ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने रिलेशन देख लिया बैंडविड्थ ओमेगा नॉट और क्यू का, तीनों के बीच का क्या रिलेशन है वो देख लिया है। अब देखते हैं कुछ और रिलेशंस और कुछ और पैरामीटर जिनसे कि एक दूसरे से रिलेशन होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जहां पे आपको बैंडविड्थ आर बाई एल भी याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। कैसे जनरेट हुआ आपको समझ में आया? हम लोगों ने डायरेक्टली कोई भी यूज नहीं किया, चाहता तो मैं डायरेक्टली लिखवा देता बट मजा नहीं आता, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी आपको आई थिंक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन ये मैंने लिख दिया था रेडियन पर सेकंड में होगा ना, रेडियन में नहीं होगा, ठीक है, गलती से रेडियन लिख दिया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिलेशन तरफ। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या कहलाएगा कि सपोज करो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम लोग डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू कर दे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। W1 into W2 कर देते हैं तो क्या होगा, यहां पे हम लोग देखें कि W1 और W2 क्या है। W1 देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस आर बाई टू एल प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर एल स्क्वेयर प्लस वन बाई एल सी, और यहां पे इंटू हो जाएगा तो आर बाई टू एल प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर बाई फोर एल स्क्वेयर प्लस वन बाई एल सी, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि इसको सपोज करो मैं ए मान लूं और इसको मान लूं बी, तो यहां पर भी ये क्या कहलाएगा बी और ये क्या कहलाएगा ए। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इस तरीके से करेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, कुछ चीजें कट जाएगी और आपको सिर्फ मिलेगा अंडर रूट एल सी। तो वन वन बाय अंडर रूट एल सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या होता है, वन बाय अंडर रूट एल सी, तो इसको हटा दिया स्क्वायर कर दिया, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा वन ओमेगा टू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज, या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या कहलाएगा, दैट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो अजर्शन रीजनिंग में ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट काफी पूछा जाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से लगभग लगभग सारे रिलेशन खत्म हो गए डब्ल्यू नॉट क्यू और बैंडविड्थ में, एक रिलेशन छोटा सा रह गया था तो वो भी मैंने करवा दिया है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या पता चलेगा हमें, आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कुछ ना कुछ और पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग रेजोनेंस में डिस्कस करते हैं।